नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2016 का फर्स्ट पेपर देखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखते हुए एनालिसिस भी करेंगे कि कौन से पोर्शन से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का है ये पेपर, 17 का भी मेंस हुआ नहीं है, तो ये लेटेस्ट है। और दोस्तों जो लोग नए नए तैयारी करने स्टार्ट किया है तो उनके लिए यह है कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, किस पोस्ट के लिए जाना है, और बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, किस टॉपिक से, कौन कौन से उनके फेवरेट टॉपिक होते हैं और एक्सप्लेनेशन से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और इस जो आपका पहला पेपर है इसमें हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संस्कार या डबल वॉरियर का प्रमाण मिला है? तो ये कहाँ से मिला है आपका? लोथल से मिला है। देखिए क्वेश्चन ये तो बना, ठीक है, कभी भी बुक पढ़िए, बुक आपके पास सारी होगी दोस्तों, सारी की सारी बुकें रखी रहती हैं, और कितना आप पढ़ पाते हैं उन सारी चीज़ों को आप खुद सोच के देखिए। और बहुत ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना। और मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों से कि ऐसा नहीं है ये बुक आपके पास नहीं होगी, होगी, लेकिन आप कितनी बार रिवीजन करवाते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो सके रिवीजन करिए, कम समय में ज़्यादा चीज़। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 150 क्वेश्चन है ये मैक्सिमम एक घंटे से कम समय में मैं आपको रिवाइज करवा दूँगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और है कि एक्सप्लेनेशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी बता दूंगा। और दूसरी चीज़ कि आप लोग खाली समय में इसको देख सकते हैं, जिस समय आपका पढ़ने का मूड नहीं कर रहा, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वीडियो चला के रख दीजिए, कम से कम एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ें जाती हैं और आपका टाइम जो वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए युगल समाधान, समाधियाँ, बंदरगाह, धान, बाजरे, अब इन्हीं में से चार क्वेश्चन आपका जो पूछ लेता है इसी से पूछ लेता है। जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भोगवा जो लोथल है भोगवा नदी के तट पर है, स्थित है, और लोथल के बारे में पूछा गया है कि 1955 में रघुनाथ राव ने इसकी खोज की थी, तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन उठते हैं, और आप सोच के देखिए, खुद सोच के देखिए कि जो आप मेंस का पेपर देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो ये चाहे आपका एलटी एग्ज़ाम हो या आपका जो एग्ज़ाम आपका एलटी एग्ज़ाम हो गया, आपका आरओ मेंस हो गया, लोअर हो गया, इन सारे एग्ज़ाम्स और यहाँ तक कि एक्सप्लेनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपर पीसीएस पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जितने भी लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कराता है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, और अदर स्टेट लेवल पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि जैसे आपका आरपीएससी हो गया और आपका एमपीपीसीएस हो गया, यूकेपीएससी हो गया, तो इन सारे मतलब जितने भी आयोग हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौदहवीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो वो बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई 14वीं शताब्दी का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि जैसे जो सन्नियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान इस एशिया माइनर बोगज गोई अभिलेख में किया गया है, तो इतना ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बना भी है और दोबारा भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि एशिया माइनर स्थित बोगज गोई से अभिलेख से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मतलब किनका वर्णन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? वाराणसी से संबंधित थे।
पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए, इनका इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता और महारानी वामा उनकी माता थी। इनका चिन्ह क्या था, चिन्ह भी पूछ लेता है, सुमेलित करवाने में पूछ लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये द्वितीय मुख्य अभिलेख, अशोक का द्वितीय मुख्य अभिलेख में इसका वर्णन हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपका। अब इसकी ये रही व्याख्या, व्याख्या से भी क्वेश्चन बनते हैं। अशोक के दूसरे और तेरहवें शिलालेख में दक्षिण भारतीय, देखिए सेकेंड और 13 दो अभिलेख हैं जिनसे चोल चेर, चोल पांड और सतीपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना, ताम्रपर्णी श्रीलंका के लिए यूज होता है, की सूचना मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, अब ये क्वेश्चन ही कई बार पूछ लिया गया है कि किस अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये किस में है, 13वें शिलालेख में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो वो कौन सा है, महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब इसके संबंध में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो देखिए, जूनागढ़ अभिलेख शक रुद्र दामन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह, अभिलेख से हमें सौराष्ट्र प्रांत के स्थित सुदर्शन झील के इतिहास का भी ज्ञात होता है। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख से ये क्वेश्चन भी बना है कि सुदर्शन झील के इतिहास जो हमें ज्ञात किससे होता है, किस अभिलेख से होता है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख से होता है। चलिए आगे देखते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अब पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंशी था, शासकों में सबसे योग्य और शक्तिशाली था, और उसकी उपलब्धियां जो थी पुलकेशिन द्वितीय की, ये एहोल अभिलेख में मिलती है। अब यही देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब आगे भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एहोल अभिलेख से में किसका वर्णन मिलता है या किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, नाम दे देगा, तो कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन है ये, सॉरी सातवां नंबर क्वेश्चन है, सीयूकी की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सीयूकी नामक यात्रा जो रचना थी सीयूकी की, तो वो ह्वेनसांग की है। किसकी है, ह्वेनसांग की। अब यही पूछ लिया गया है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 13 वर्षों तक रहा, ये ध्यान रखिए। आरओ यारो में यही पूछ लिया कि कितने वर्षों तक ह्वेनसांग रहा, तो ये 13 साल तक रहा। अब सीयूकी नामक एक ग्रंथ है जिसकी रचना ह्वेनसांग ने की थी, और इसका मूल नाम चिनशी था। किसका मूल नाम था, चिनशी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहाँ पर उपकुलपति भी नियुक्त हुआ। तो ये किसके बात हो रही है, ये ह्वेनसांग के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया? तो ये यशोधर्मन ने पराजित किया, मिहिर कुल को पराजित किया था। कब पराजित किया था, देखिए मंदसौर अभिलेख के अनुसार 1532। अब यही पूछ लेता है, यही क्वेश्चन बना देगा कि जो यशोवर्धन ने मिहिर कुल को पराजित किया था, इसका विवरण किसमें मिलता है? तो ये मंदसौर अभिलेख में मिलता है, ध्यान रखिएगा। यशोवर्धन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? तो कौन सा द्वितीय है, सेकंड नंबर पर भारत है, ध्यान रखिएगा। और राज्यों में बात की जाए, देखिए शीर्ष उत्पादक राष्ट्र जो है, सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, ब्राजील है, सेकंड पर आपका इंडिया है। राज्यों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, सेकंड पर आपका यूपी है।
ये डेटा चेंज भी हो गया होगा दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको मत देखिए। चलिए आगे देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? राजेंद्र को दिया जाता है। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र जो था वो राजेंद्र प्रथम सम्राट बना था, ठीक है। और बाकी एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। इससे एक चीज़ है, गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी स्थापित करवाई थी इसी ने, ध्यान रखिएगा। तो ये इसे ऐसे ही क्वेश्चन बना देता है कि गंगईकोंड चोलपुरम नामक जो राजधानी की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। चलिए आगे देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी में चलेंगे। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के कौन थे? लोदी थे, ठीक है। सल्तनत शासकों में लोदी वंश के शासक जो थे वो अफगान मूल के थे। अब इनका जो क्रम है, जैसे बहलोल लोदी है, अब ये क्रम ही पूछ लिया जाता है कई बार, तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग बिल्कुल रट डालिए, अच्छे से रट डालिए, पढ़ डालिए, जितनी बार रिवीजन करना है उतनी बार रिवीजन करते रहिए। तो बहलोल लोदी के बारे में 1491 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन है ये? 12वां नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली स्थानांतरित करी थी, ठीक है। चलिए बाकी एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देखना है आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं जल्दी से एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा बात ना करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी में चलूँगा। बहमनी राज्य स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? तो ये 14वीं शताब्दी में किया गया। किसने स्टार्ट किया था? हसन गंगू ने। इसे उपाधि धारण करके इसी ने साम्राज्य की नींव डाली थी। 14वां नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसे दिल्ली का पुराना किला, जिसे किलाए कुहना भी कहा जाता है। अब यही क्वेश्चन बना लेता है कि किलाए कुहना किस इमारत को कहा जाता है, निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। चलिए आगे देखते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो ये रायगढ़ में हुआ, ध्यान रखिएगा। 5 जून 1674 में शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन है? 16वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, और ये हिस्ट्री से चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ढेर सारे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, हर बार हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, कभी कम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो कौन था? लॉर्ड वेलेसली। लॉर्ड वेलेसली ने कब स्टार्ट करी थी? इसका कार्यकाल जो माना जाता है 1798 से 1805 ईस्वी में है, और इसने क्या किया था कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, आविष्कार नहीं किया था इस संधि का, ठीक है, लेकिन इसने प्रयोग किया था। जन्मदाता कौन था? जन्मदाता आपका डुप्ले था। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे, तो ये डुप्ले थे। चलिए आगे देखते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन है ये, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम थे। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था, और अंग्रेजों की कमान किसने संभाली थी? हेक्टर मुनरो ने। चलिए आगे देखते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री के ही क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो ये आपका बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, बाकी देख सकते हैं आप लोग। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी इसके संस्थापक हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए आगे देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसने नील खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी ने इनको आमंत्रित किया था नील खेती के संबंध में चंपारण बिहार में, ठीक है, 1917 के दौरान। चलिए आगे देखते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ तो कहाँ पर हुआ? ये मालाबार में हुआ है, 1921 में हुआ था, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में संघर्ष हुआ था, हिंदू ब्रिटिश मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम संघर्ष था ये। चलिए आगे देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को कहाँ प्रकाशित हुआ? तो ये आपका कोलकाता से प्रकाशित हुआ, और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, 1826 में प्रकाशन हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन है ये, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, 1905 में इन्होंने पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने सेवक मंडल जिसको हिंदी में कहा जाता है और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 24वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी तो कहाँ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट करी थी, ठीक है। बाकी देख सकते हैं रैयतवाड़ी के संबंध में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, दोस्तों मैं अगर एक्सप्लेनेशन बताने लगा तो बहुत देर हो जाएगी, बस आप ध्यान रखिएगा कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनको ध्यान रखना है आपको, लेकिन क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। 25वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में किसके किससे प्रायः संबंधित किया जाता है? तो ये थॉमस मुनरो से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब बनाया गया? तो 1871 में, 12 अक्टूबर 1871 को इसको अधिनियमित किया गया था और सर्वप्रथम लागू किया गया जिसे बंगाल में 1876 में और 1911 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो 1892 के तहत। चलिए आगे देखते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1813 के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो कारण इसका है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, 1,00,000 रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कभी वो पैसे खर्च ही नहीं हुए, ठीक है, खर्च ही नहीं किए गए, बस प्रावधान किया गया था भारतीयों को बताने के लिए कि हम खर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है? देखिए, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सही ए होगा, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो हुई थी 1876 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो 1878 में आया था, बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया? 1885 में आया, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एक्ट एंड अवध एक्ट ये कब आया? 1890 में आया। चलिए आगे देखते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे? तो वो फिरोज शाह मेहता थे।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। इसमें कौन कौन शामिल थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलैंग, ठीक है। तो ये बातें थी इससे संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी चेरियार ने। चलिए आगे देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है। 33वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो ये चार्टर एक्ट 1893 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? जॉन साइमन नहीं थे, ठीक है। बाकी कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्ट्रेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ये तीनों थे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। चलिए आगे देखते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया के लेखक हैं? तो ये इसके दादा भाई नेहरोजी हैं। और बहिर्गमन का जो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का सबसे पहले प्रखर प्रतिपादक थे ये। चलिए आगे देखते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो जो नहीं था उसको आपको बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नेता नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन UPPCS मेंस में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सम्मिलित नहीं हुए थे? महात्मा गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो ये 1939 में की थी, त्रिपुरी संकट के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये सितंबर 1946 में, 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी, घोषणा की गई है इस डेट को, ठीक है। लेकिन 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी मानी जाती है? तो ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की मानी जाती है, जिसमें उषा मेहता और सुभाषिनी अली जैसी महिलाओं का सहयोग प्रदान किया था। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो दादा भाई नेहरोजी जी ने स्वशासन दिलाने पर बल दिया। चलिए आगे देखते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन, अनाइहिलेशन ऑफ द कास्ट के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर V.R. अंबेडकर हैं, ठीक है। और इसका पुस्तक का प्रकाशन 1936 में किया गया था, 15 मई 1936 को। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः जो की थी वो पी मित्रा और पुलिनदास द्वारा की गई थी। बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो आपका सालसेट द्वीप है, सर्वाधिक आबादी वाला दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो ये 14.2% है। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो कौन नहीं बनाता? नागालैंड नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से देश अपनी सीमा बनाते हैं तो ये भी देख लेते हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, जो भारत के राज्य हैं ये सारे के सारे बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो राकी आल्प्स ये तो, और एंडीज भी होगी,
हाँ ये रही एंडीज, इसका सही आंसर भी है, एंडीज ही सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, कई बार पूछा भी गया है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी एकांकागुआ है, ये कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो ये आपकी देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, कर्णप्रयाग में गंगा और पिंडर नदियाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में गंगा और मंदाकिनी मिलती है, और विष्णुप्रयाग में गंगा और धौली का संगम है। चलिए आगे देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो आपका देश कौन सा है? भूटान है, ध्यान रखिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो आपकी केरल में होती है। अब आगे देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन, हरियाली योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपकी जल प्रबंधन से संबंधित है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया गया था, या जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था उसमें सम्मिलित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम, तो देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते? तो गंगा डेल्टा में भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते। चलिए आगे देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो जो नहीं था उसको आपको बताना है, तो उत्तरी अमेरिका जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, उत्तरी अमेरिका है वो लॉरेंसिया का भाग था। चलिए आगे देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल खंड भूखंड था, जिसे क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखने में दोस्तों बहुत लेट हो जाएगा, और या तो ऐसा करते हैं दोस्तों 75-75 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है, 75 क्वेश्चन ये पहले पार्ट में, 75 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा लेंदी भी होने लगता है, आदमी का मन भटकने लगता है, ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए दो पार्ट में कर लेंगे इसको, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं, अच्छे से किया जाए एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊँगा, ठीक है, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये देखते हुए चीज़ों को या कार्यों को करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही करते हैं, 75 क्वेश्चन एक में और 75 क्वेश्चन दूसरे वाले पार्ट में, तो दो पार्ट में इसको बना दूंगा मैं, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका गिब्सन आपका ब्राज़ील में नहीं है, गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो आपके एशिया में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हाँ देखिए दक्षिणी जो आपका एशिया है, एशिया से विषुववृत्त, कर्क रेखा और आर्कटिक गुजरते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 58 नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटसी नदी है, चीन में बहती है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। वास्तव में अलकनंदा भागीरथी का सम्मिलित नाम है, और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। चलिए आगे देखते हैं, 60वां नंबर क्वेश्चन है, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो नेपाल में, म्यांमार में, या दो ऑप्शन आपके ये रहे, भूटान या श्रीलंका, तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका नेपाल में आपका पाया जाता है, ठीक है, कौन सा? शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन ये बनाता है आयोग, इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो आपका लंदन में स्थित है, इसकी स्थापना जो की गई थी 1948 में की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है, और
1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, ठीक है, जेनेवा में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। स्थापना अलग जगह पे हुई थी, अलग ईयर में हुई थी, लेकिन मुख्यालय लंदन में है। चलिए आगे देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित सार्गो में किसमें तट रेखा नहीं है? तो किसमें तट रेखा नहीं है आपको बताना है, सार्गेसो सागर, इस ये जो है आपका सार्गेसो सागर में कोई भी तट रेखा नहीं है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सार्गेसो एक घास पाई जाती है, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। 63 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो आपका कोलंबिया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, टाइगा वन विशिष्टता है किसकी? तो ये आपके समशीतोष्ण क्षेत्र की ये विशेषता है। ध्यान रखिएगा, जिसके जो वन पाए जाते हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या नगरीकरण का क्वेश्चन है ये, 65वां नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की प्रजननता दर कितनी है? तो आपकी ये 2.4 है, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो ये आपके मेघालय राज्य में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति ST की आपकी संख्या सर्वाधिक है। SC की संख्या कहाँ पर सर्वाधिक है? तो आपकी UP में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के 1,010,000 नगरों की सूची में अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान कोटा का है। चलिए आगे देखते हैं, आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है ये, अधोलिखित राज्यों में किसमें 2001 और 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपकी बिहार में दर्ज की गई। चलिए आगे देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है ये, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का परसेंटेज क्या है? तो ये 59% है। चलिए आगे देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन तक ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको देख लेंगे, दो दो पार्ट में करके। सांख्यिकी मंत्रालय 2015 में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष से ऊपर की संख्या का प्रतिशत निम्नतम है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में निम्नतम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित, सॉरी कुछ छोटा तो नहीं है, ये हम लोगों ने देख लिया था, अब ये एक क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन, इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? तो आपका आधार वर्ष 2011-12 प्रयुक्त हो रहा है 2015 से। चलिए आगे देखते हैं, आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये आपकी 74 से 79 तक चली थी। चलिए आगे देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार कितनी आय होने पर 15% अधिदेय होगा? तो आपको 1 करोड़ रुपए से ऊपर। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों मैं PDF एक पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सेकंड में आप लोगों को PDF दे दूंगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? तो देखिए, कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से? तो उपरोक्त सभी हैं, उद्देश्य, उत्पादकता नियोजन, व्यक्ति, सभी इंपॉर्टेंट है।
तो ये 275 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। अब 75 क्वेश्चन, 150 टोटल क्वेश्चन हैं, और 75 75 करके हम लोग दो पार्ट में इसको कर लेंगे। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है या फेवर चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।